चीकू के लिए काफी अच्छी गेंद, लेकिन दिशा से भटक गए। एम्पायर का इशारा, वाइड। राजेश चले एक बार फिर, भटकी हुई गेंद और गोल गेंद, दीवारे का के बाहर, छह रनों के लिए। अगली गेंद, वहां पर काफी अच्छी गेंद, घुमाना चाहते थे टेम्पो, लेकिन अच्छी टाइमिंग नहीं हुई। अगली गेंद राजेश की, और देखिए टेम्पो ने उसे भी घुमाया, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए। अगली गेंद, इस बार फ्लोर की कोशिश, लेकिन दिशा से बच गए वहां पे। मिस्टर राजेश एक और एक्स्ट्रा रन उत्तर के खाते में, काफी अच्छी गेंद, एज लगा वहां पे, गेंद गई दो रनों के लिए। तो ओवर हुआ समाप्त, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 14 रन बिना किसी नुकसान के। पंकू चले पहली गेंद सचिन के लिए, और देखिए पहले तो वो एम्पायर के ऊपर अटैक किया, पहली बॉल पे तुम्हें दिखे ना किसको अपना निशाना बनाते हैं सचिन। और देखिए एक बार अपील हुई, लेकिन नकारा वहां पे एम्पायर विजय ने धाकर बल्लेबाज को। पंकू एक बार फिर, और देखिए ऐसी खेलते हुए नहीं छोड़ेंगे, दो रनों से सचिन ने अपना खाता खोला कुट्टाधार के अन्य खिलाड़ी की। पंकू घुमाया वहां पे, दो रन ही मिलेंगे, संतुष्टि पानी होगी दो रनों से। पंकू काफी अच्छी गेंद वहां पे, पंकू एक बार फिर सामने है सचिन, और घुमाया वहां पे रॉकेट शॉट, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए। पहली गेंद और घुमाया पिंकू ने वहां पे, गेंद गई, चार रन एम्पायर का इशारा। अतुल एक बार फिर पटकी हुई गेंद, अच्छा टाइम नहीं था, चार रन मिलेंगे अवश्य, लकी बॉल रुक चुकी है। कुत्तादार के पास काफी धाकड़ बल्लेबाज इस टीम में, देखिए टेकू ने फिर घुमाया, गेंद हवा में लहराती, काफी लंबा छक्का। अगली गेंद और देखिए वहां पे झटका लगा, दो रन मिलेंगे वहां पे, काफी तेज शॉट खेला था। अगली गेंद अतुल की, टेकू ने इसे भी घुमाया, गेंद हवा में, चार रन मिलेंगे यहाँ पे। तो हर गेंद पे प्रहार जारी, अतुल एक बार फिर, और इस बार हल्की गेंद थी, घुमाया, दो रन मिलेंगे यहाँ पे। तो ओवर हुआ समाप्त, दोनों ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 44 रन बिना किसी नुकसान के। पंकू अपने दूसरा ओवर लेके सचिन के लिए, घुमाया सचिन ने, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, छह रनों के लिए। पंकू चले सचिन के लिए एक बार फिर से घुमाया, तो देखिए इनके लिए ये नॉर्मल बात है ऐसे शॉट लगाना, तो काफी हाई स्कोर जाने की संभावना है। पंकू एक बार फिर, इस बार मिस टाइम करके फुल टॉस गेम थी, सचिन ने फिर घुमाया, गेंद गई चार रनों के लिए। देखिए हर गेंद पे रन अर्जित कर ही रहे हैं वहां पे सचिन। अगली गेंद देखिए काफी अच्छी गेंद की है, हर गेंद पे हिट नहीं करते हैं सचिन। पंकू एक बार फिर सचिन के लिए, और देखिए एक बार चुके वहां पे, चार ओवरों की समाप्ति का स्कोर है 60 रन, 16 रन आए इस ओवर में। टिंकू के लिए दिखाया उसे, तो मिलेंगे वहां पे, दो रन मिलेंगे टिंकू ना भागी आप। रोहित एक बार फिर टिंकू के लिए, काफी अच्छी गेंद, लेकिन टिंकू वहां पे पहले ही मुस्तैद, काफी लंबा छक्का टिंकू के बल्ले से, ये मिश्रण गेंदबाजी में नहीं दिख पा रहा है। देखिए और वहां पे कैच का चांस ड्रॉप हुआ, रन का चांस भी बन सकता था, लेकिन वहां पे थोड़े से लेट हुए।
हमें क्या भुगतना पड़ता अगर थ्रो डाउन कर जाता तो रोहित चले और इस बार दिशा से बच के तो एक एक्स्ट्रा रन जुड़ा उत्तर धार के खाते में। रोहित चले सचिन के लिए इस बार घुमाया दो रन मिलेंगे वहां पे घुमाया उसे गेंद गई काफी दूर तो छह रन और आए। अगली गेंद और देखिए इस बार काफी अच्छी गेंद तो ओवर हुआ समाप्त। पांच ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 78 रन 18 और रन आए उस ओवर से। वहां पे कुछ अच्छा टाइमिंग नहीं लेकिन वहां देखना अभी एम्पायर का निर्णय 6 रनों के लिए क्योंकि ढीले हाथ से खेला गया शॉट अच्छी टाइमिंग भी नहीं हुई बैट के ऊपर हिस्से में गेंद लगी फिर भी गई 6 रनों के लिए। राजेश चले फिर से देखिए ऐसी गेंदों पे तो ये नहीं छोड़ेंगे तो लगातार दो लंबे हिट तो ऐसी गेंदबाजी नहीं करनी होगी शर्मा जी को वहां पे। अगली गेंद फिर से वैसी ही गेंद तो देखिए 4 रनों के लिए। अगली गेंद देखिए तो ऐसी गेंदबाजी तो ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो यहां तो बच्चा भी छक्का मारेगा। घुमाया फिर से टेको ने देखिए हल्के यहां से खेला गया शॉट 2 रन यहां भी मिलेंगे। अगली गेंद इसे भी घुमाया निराश टेको वहां पे अच्छा टाइम नहीं कर पाए ओवर हुआ समाप्त 6 ओवरों की समाप्ति का स्कोर है 104 रन बिना किसी नुकसान के तो 12 गेंदे फेंकी जानी शेष 26 रन का लौट आया इस ओवर में अपनी टीम के लिए 7वां ओवर। अब पहली गेंद पे 2 रन मिलेंगे वहां पे। अगली गेंद और देखिए ये गेंद तो निश्चित रूप से बाहर जाएगी कितना रूम अगर इन्हें दोगे तो ये बॉल को बाउंड्री से बाहर ही भेजेंगे। सनी चले और इसे भी घुमाया 4 रन मिलेंगे वहां पे थका हुआ है। अगली गेंद इसे भी घुमाया तो देखिए ये ऐसा बैट्समैन है। अगली गेंद और देखिए काफी अच्छी गेंद अगली गेंद देखते हैं और इस बार फुल टॉस बनाया उसको गेंद की सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए स्कोर 7 ओवरों के बाद 128 रन। अगला ओवर करेंगे मिस्टर हिमू टेकू ने घुमाया 4 रनों के लिए पहला विकेट का पतन हुआ सिक्का धार के टेकू के रूप में हिमू चले बंटी के लिए पहली बार और देखिए बंटी भी आते ही सेट बैट्समैन इसे भी घुमाया ये भी गई 6 रनों के लिए और वहां पे 150 रन पूरे हुए टीम के 151 रन काफी भारी भरकम स्कोर। चले हल्के हल्के कदमों से सामने है हिम्मू पहली गेंद अच्छी गेंद वहां पे स्मिथ ने फील्ड की सचिन एक बार से हिम्मू के लिए घुमाना चाहते थे लेकिन कोई फर्क नहीं वहां पे टेकू ने सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की 150 रन चेज सचिन चले हिम्मू के लिए और देखिए कोई सब फर्क नहीं वहां पे अभी तक अकाउंट नहीं खोला लिंडी का सचिन घुमाया वहां पे एक ही हाथ से खेला गया शॉट गेंद को इसी मारेखा के बाहर 6 रनों के लिए सचिन एक बार फिर हिम्मू के लिए इसे भी घुमाया लेकिन 2 रनों से संतुष्टि पानी होगी सचिन और उसे भी उठाया वहां पे
लेकिन दो रनों से संतुष्टि पानी होगी। दो ओवर हुआ समाप्त, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 10 रन बिना किसी नुकसान के। घुमाया वहां पे तुल ने काफी लंबा, 4 रन मिलेंगे वहां पे। ऊंचाई काफी थी गेंद में, ऊंचाई काफी थी, दूरी नहीं थी इस गेंद पे। अगली गेंद अतुल के लिए, इसे भी घुमाया अतुल हवा में, 2 रन मिलेंगे तभी अपने लक्ष्य तक पहुंचा जाएगा। अगली गेंद और बीती रही गेंद, कैच का मौका, वहां अरविंद भाई फील्डर थोड़े से चुके, दूर थी उनके गेंद, प्रयास अच्छा किया। अगली गेंद और इस गेंद में ऐज आया और वहां पे रन भी पूरा किया। अमन चले पहली बार नींबू के लिए और घुमाया गेंद आई पीछे की तरफ, लेकिन ग्राउंड में गेंद तो एक रन ही मिलेगा वहां पे। लंबा हिट देखने को नहीं मिला इस ओवर में और देखिए 2 रन ही मिलेंगे वहां पे। तो ओवर हुआ समाप्त, 2 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 20 रन बिना किसी नुकसान के। और उठाया है उसे गेंद भी 2 रनों के लिए, तो 2 रनों से यहां पे कोई कुछ खासा फर्क पड़ने वाला नहीं है, पिछड़ जाएंगे। अगली गेंद रमेश की, गति में परिवर्तन नहीं समझ पाए, क्रॉस खेलना चाहते थे वहां पे फील्डर अमन बहुत चुस्त। रमेश एक बार फिर टीमों के लिए उठाया, इस बार 4 रन मिलेंगे वहां पे। अगली गेंद रमेश की और इस बार भी गेंद रुक के आई वहां पे, सिंगल भागने की कोशिश और 2 रन मिलेंगे, 2 रन मिलेंगे वहां पे रमेश। और इस बार घुमाया है गेंद हवा में, लेकिन 2 रन यहां से तो काफी ऐसा लग रहा था कि गेंद दूर जाएगी, लेकिन ऊंचाई बहुत गेंद में, 2 रन ही मिले। और इस बार अच्छी टाइमिंग हुई है, गेंद काफी दूर गई है 6 रनों के लिए। तो छह रनों के साथ ओवर किया समाप्त, गेंद फंस चुकी है 3 ओवरों की समाप्ति पे, 2 रन 37 रन अच्छू। और देखिए इस बार मिस टाइम वहां पे 2 रन मिलेंगे वहां पे अतुल को। हर ओवर में 3 या 4 हिट लंबे चाहिए और देखिए इस बार भी गेंद हवा में, अतुल नहीं समझ पाए कहां गई है गेंद। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं अज्जू और गुमो ने पहली गेंद को घुमाया, गेंद की मारेगा के बाहर 4 रनों के लिए। अज्जू एक बार फिर और इस बार घुमाया काफी अच्छी टाइमिंग के साथ, गेंद की मारेगा के बाहर 6 रनों के लिए। वहां पे गुप्ता घर की टीम को अज्जू फिर से घुमाया वहां पे, 2 ही रनों से संतुष्टि पानी होगी। अज्जू एक बार फिर और देखिए इस बार सफलता पाई, मैंने जैसे कहा था कि अज्जू बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, नीचे रही इस बार गेंद समझ नहीं पाए और जा लगी स्टंपों में। तो पहला झटका ये केएलटी की टीम को लगा हिम्मू के रूप में, 39 रन का योगदान दिया हिम्मू ने अपनी टीम के लिए, 24 गेंदे 99 रन। पहली गेंद 2 रन आए, फुल टॉस गेंद, लेकिन अतुल की कुछ बैटिंग समझ में नहीं आ रही है, उछाल ही काफी ले रहे हैं वो, कोई रन भी नहीं आया था इस पे। और देखिए काफी लंबा छक्का, मिस्टर ओमी ऊपर से बॉल दे दे, मिस्टर ओमी नीचे बॉल फेंकी आपके नीचे, देखो एक बार फिर अतुल के लिए काफी अच्छी गेंद, आगे की भी गेंद थी ये, टिक्कू चले और देखिए उठाया फिर से, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो काफी अच्छी बैटिंग, अगर ये पहले से लेकर ही इसी रुपये में बैटिंग करते, 6 ओवरों की समाप्ति का स्कोर है 5 ओवरों की, सॉरी 5 ओवरों की समाप्ति का स्कोर है 70 रन। अज्जू चिंटू के लिए घुमाया, चिंटू ने वहां पे 2 रन मिलेंगे।
और देखिए अगली गेंद भी काफी अच्छी फील्डिंग टेक होगी। अच्छू चले, काफी तेज गेंद करते हैं, ये उठा है वहां पे गेंद को इसी मारेगा के बाहर 6 रनों के लिए, तो ऐसे ही हिट। अच्छू चले और उसे घुमाया वहां पे कैच का चांस, लेकिन कैच ड्रॉप को जीवनदान मिला वहां पे मिस्टर चिंटू को। अगली गेंद और देखिए वहां पे काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं अज्जू वहां पे, और गेंद घुमाई है 4 रनों के लिए, तो अज्जू का ओवर हुआ समाप्त, 6 ओवरों की समाप्ति का स्कोर है 82 रन, तो 12 गेंदें फेंकी जानी शेष। अमन चले पहली गेंद और 2 रन, 11 छक्कों की जरूरत, और देखिए इस बार फुल टॉस खेल दिए, 4 रन मिलेंगे वहां पे, तो 10 गेंदें 63 रन, 9 गेंदें 59 रन, अभी भी मैच बना हुआ, और इस बार 3 गेंद 2 रन वहां पे, तो अब तो औपचारिकताओं का खेल बाकी, तो आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला केल्टी और कुकरधार के मध्य खेला गया था, अच्छी फील्डिंग वहां पे सचिन की घुमाया वहां पे, लेकिन कोई अच्छा असर नहीं, 7 ओवरों के बाद स्कोर 96 रन, 4 रन दूर 100 के लिए, 20 लास्ट ओवर लेके, और वहां पे कैच का चांस, लेकिन अरविंद भाई थोड़े आगे आ चुके थे, नहीं तो यहां पे चिंटू को भी वापस जाना पड़ता। रन वहां पे चिंटू के बल्ले से निकला, तो ऐसे हिट की जरूरत मिडिल ओवर में थी, सौ पार कर चुकी है आपकी टीम 108। गुप्ताधार ने ये मैच जीत लिया है और अगले राउंड में प्रवेश किया।